नमस्कार, आज की अदालत में आपका स्वागत है और मैं उदय रस्तोगी। हमारी अदालत में आज कटघरे में है कपूरथला के जाने माने बिजनेसमैन अतुल द्विवेदी, जो आज हमारे कटघरे में आए हैं और इनके कुछ सवाल हैं और कुछ शिकायतें हैं और ये सुनते हैं इनकी क्या शिकायतें हैं, क्या जवाब हैं। तो अतुल जी, आपका अदालत में स्वागत है। ये बताइए, आपको कपूरथला पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है? नहीं, वीवा ग्राफिक से। जब तेज से बोली, जनता आपको सुन नहीं पा रही है। वीवा ग्राफिक से। वीवा ग्राफिक से इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, आप जान सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम वीवा ग्राफिक से है? वीवा ग्राफिक में जो है वो साउंड साउंड को आप जरा एक्सप्लेन करिए। साउंड किस टाइप का साउंड है वो? मतलब सिंगर साउंड है कि जो है बिना सिंह का साउंड है। अच्छा, वो आपको क्या करता है? आपको डसता है, आपको सिंह मारता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता ना। अच्छा, काम ही कुछ नहीं करता है। हाँ। अच्छा, क्या सिखाया था आपको? आपने उसे क्या काम कहा, वो काम नहीं हुआ अभी तक? भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफिस के लिए बोला था। हाँ। ऑफिस का इंटीरियर सही करने के लिए। आज के हो गए क्या, तीन चार साल हो गए। तीन चार साल से आपका डिजाइन नहीं, एक भी डिजाइन नहीं किया है साउंड ने। अच्छा, तो आपका सुनने में आया है कि आपको ऑफिस खुले हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है। ये पहला झूठ आपका पकड़ा गया है। आपने तीन साल बोला है इसमें। नहीं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तीन साल से मेरा थीम थी ना। अच्छा, आपने वो थीम जो आपके दिमाग में चल रही थी तीन साल पहले से, वो आपने उसी में जोड़ दिया कि उसको तीन साल बोल दिया आपने। हाँ। अच्छा, तो ये गलती आपकी ही मानी जाएगी। हमारी क्यों गलती है? दूसरा सवाल अतुल द्विवेदी पे, वीवा ग्राफिक तरफ से इन पे एक आरोप लग रहा है आपसे। सारांश का ही जवाब था ये कि एक बार आपको उन्होंने नॉर्मल मीडिया का रेट पूछा था, जो कि आपने सारे आम पब्लिक के सामने आपने उनको मीडिया का, हालांकि सब जानते हैं नॉर्मल रेट मीडिया का कितना है, आपने उनको रेट दिया था करीब 15 रुपये स्क्वायर फीट का, जो कि आजकल। लेकिन उस मीडिया की खासियत जानते क्या थी? क्या खासियत थी? एलईडी लाइट थी उसके अंदर? नहीं। हाँ हाँ, उस मीडिया में ऑन्स ऑन्स की दिक्कत थी। ऑन्स की, ऑन्स से पैसा ही होता है इसके, मतलब ऑन्स क्या मतलब थिकनेस, उसकी थिकनेस मोटाई डिशन जो होता है। हाँ, कूट कूट के बराबर, मतलब इमाम दस्ते में की जो है मिक्सिंग कैसे टूटा गया। मीडिया अलग होता है, स्टार मीडिया था। अच्छा, स्टार मीडिया था। स्टार मीडिया में ब्लैक बैग भी था। अच्छा, और एक आरोप अभी याद आ रहा है, मैं आपको लगा था कि आपने कहा था कि ब्लैक बैग स्टार। हाँ। ब्लैक बैग और स्टार दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, तो आपने दोनों स्टार से कैसे कर दिया? स्टार का ब्लैक बैग, ब्लैक बैग कोई कंपनी नहीं है। हाँ, ब्लैक बैग कोई कंपनी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक बैग कोई कंपनी नहीं है, अभी इसी बात से मुकरेंगे। ब्लैक बैग कोई कंपनी नहीं, इस बात का ये पॉइंट आप नोट करिएगा। हाँ, बताइए। ब्लैक बैग आपको सुनने में आया है कि जो है, जैसे कि सांड की बात कर रहे हैं, सांड ने बोला था कि अतुल द्विवेदी हमें मतलब तरह तरह से इनको चुकिया बनाते हैं, कभी इनका काम लेट करते, कभी जब काम लेट होता है तो उस पर ये एक सफाई देते हैं कि हम आपका जो मीडिया लगा रहे हो बहुत ही अच्छा मीडिया है, उसको पाउडर कोटिंग मीडिया है, उसको बड़ी शाइनिंग आएगी, और उस मीडिया का मनगढ़ंत नाम रखते हैं अपने हिसाब से। दो कंपनी को एक ही में मिला के नया नाम निकालते हैं ये, ऐसा ऐसा आप आरोप लगाए। जैसे कोई स्टार, अभी ये बात चल रही है स्टार और ब्लैक बैग की, स्टार कंपनी और ब्लैक बैग कंपनी अलग अलग है, आपने दोनों को मिक्सिंग करके स्टार ब्लैक बैग नया नाम आपने इजाद किया है, ऐसा है? तो अच्छा, ये बताओ ब्लैक बैग कोई कंपनी है? ब्लैक बैग मैं आपसे कंपनी के बारे में आपकी बातें चल रही है, आप तो व्यू को मोड़ दे रहे हैं, आप जो है अपनी बात से हट रहे हैं, लीक को आरोप से आप मुकर रहे हैं। ब्लैक बैग कोई कंपनी नहीं है। ब्लैक बैग जैसे नॉर्मल ब्लैक बैग होता है, जिंदल ब्लैक बैग होता है, स्टार ब्लैक बैग होता है, 3M ब्लैक बैग होता है। ये जो आपने भी जो 6, 7, 8, 9 नाम बताए मुझे, ये आपके द्वारा गठित किए गए नाम है कि जो है ये कंपनी वाकई है एस्टेब्लिश सिस्टम में? आप सर्च कर लीजिए। कहाँ पे सर्च कर लें? मीडिया एक्सपो पे। अच्छा, जैसा आपने कंपनी का नाम रखा प्रिंट स्प्रिंग रोल? नहीं, प्रिंट स्प्रिंग एसोसिएट्स। प्रिंट स्प्रिंग, मतलब ऐसा सुनने में हमें आता, कई लोग आपके जो कंपनी का नाम है वो प्रिंट स्प्रिंग रोल बोलते हैं, तो वो उनकी सोच है, वो दिमाग में गंदगी भरी हो रही है ना। चलिए ठीक है, ये आप का आरोप है कि वो गंदगी भरी हुई है। एक और आप पे सवाल, एक आप पे आरोप लगा है कि आपकी जो आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में आपके स्टाफ द्वारा जो आप पे आरोप लगाया गया कि आप अपने स्टाफ का शोषण करते हैं। नो कमेंट से काम चलेगा। आप